ओम शांति। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर। हम भगवान के बच्चे हैं, उसने हमें अपने वरदान देकर, अपने आशीर्वाद देकर, अपनी शक्तियां देकर महान कार्य के लिए निमित्त बना लिया है। हमारे संस्कारों को भी बहुत रॉयल कर दिया है, बार बार याद दिलाया है। अहम योगियों का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि तुम मैंपन और अहम के फेरे में रहेंगे तो तुम्हारी स्थिति में दिव्यता कभी नहीं आ पाएगी। जिनके अंदर अहम बहुत होता है वो सेवाओं के फील्ड में छोटी-छोटी बातों में टकराते रहते हैं, और सेवा में टकराना माना सेवा की रिजल्ट को समाप्त कर देना। हम दूसरों को शांति देने के लिए, सुख देने के लिए, प्रभु पैगाम देने के लिए सेवाएं करते हैं, परंतु यदि हम टकराव में रहते हैं तो ये तीनों ही कार्य नहीं होते हैं, क्योंकि मुख्य सेवा हमारे वाइब्रेशन से होती है, मुख्य सेवा हमारे चेहरों से अर्थात हमारी स्थिति से होती है। हमने कोई बहुत बड़ा सेवा का प्रोग्राम बनाया हो लेकिन वहाँ टकराव का माहौल हो तो वातावरण में अलौकिक वाइब्रेशंस कदापि नहीं रहेंगे, और जब अलौकिक वाइब्रेशंस ही नहीं रहेंगे तो देवकुल की आत्माओं को वहाँ का आकर्षण होगा ही नहीं। लोग अच्छा अच्छा कहकर वापिस चले जाएंगे और हमारी सेवाएं सफल नहीं होंगी। इसलिए चाहे आप अपने घर में हैं या सेवा स्थान पर हैं या सेवाओं का कार्य करते हैं, टकराव से स्वयं को मुक्त कर देना है, क्योंकि जो टकराव में रहते हैं उनका तो योग भी नहीं लगता, उन्हें तो खुशी भी नहीं रहती, प्रभु मिलन का नशा ही उनका लोप हो जाता है। इसलिए अपने अहम को समाप्त करके टकराव से मुक्त जीवन व्यतीत करेंगे। और आज एक बहुत सुंदर बात याद रखेंगे, बाबा हमें हमारे महान स्वमान की याद दिलाते हैं, हमारी वैल्यू की हमें स्मृति दिलाते हैं। सुनिए बहुत सुंदर महावाक्य, तुम हो इस धरा पर सूर्य तुल्य। सूर्य से क्या होता है, सारा जग प्रकाशित होता है, तुम्हारे प्रकाश से भी सारा जग प्रकाशित हो रहा है, और ये मान श्याम है टिमटिमाते हुए दीपक जो थोड़ी थोड़ी रोशनी दे रहे हैं, कभी जलते हैं कभी बुझते हैं। तीसरी लाइन सुने बहुत सुंदर, तो तुम सूर्य समान इन दीपकों से प्रकाश लेने का तुच्छ संकल्प न करो। कितनी सुंदर बात है, हम अपने महान स्वमान में आ जाएं, ये मान सम्मान हमारा थोड़ा बहुत मान बढ़ा सकते हैं, हमारी महिमा हो सकती है, हमारा नाम हो सकता है, लेकिन हम संसार को प्रकाशित नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें बाबा ने बहुत बड़ा काम दिया है, तुम सूर्य तुल्य हो संसार को प्रकाशित करने वाले। याद करें बाबा ने कितना मान बढ़ाया है हमें, हमारे चित्त के अंधकार को न केवल दूर किया है बल्कि हमें इतना प्रकाशित कर दिया है कि हमारा प्रकाश संसार तक फैल जाए, संसार से विकारों का और अज्ञान का अंधकार लोप होने लगे। तो हम सभी आज सारा दिन याद करेंगे, मैं सूर्य तुल्य हूँ बहुत तेजस्वी आत्मा, मुझसे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैलता है, जैसे सूरज को आसमान में देखें कितना तेजस्वी, मैं आत्मा भी उतनी ही तेजस्वी हूँ, सारा संसार मानो मुझे निहार रहा है, मुझसे प्रकाश प्राप्त कर रहा है। तो अहम और मैंपन का मेरे
जीवन में कोई स्थान नहीं है, मैं तो दिव्य हूँ, मेरा जीवन बहुत पवित्र है। इस स्मृति के साथ आज के दिन को संपूर्ण सफल करेंगे। ओम शांति।